क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक टेबल दे रखी है, तो पहले तो मैं वो टेबल बना लेता हूँ। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें दे रखी है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल एंड देन फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 0 टू 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40, 40 से 50 और फाइनली 50 से 60, ये दे रखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी इज लाइक FI, फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है 5x 2015, 5x 2015 y और 5। अब आप क्या करिए, ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। कैपिटल एन क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। ये कितना हो गया, पहले तो आप ये करिए, एक्स और वाई ये दो टर्म्स तो अलग अलग है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इसमें एक्स और वाई की ना वैल्यू निकालनी है, तो एक्स और वाई अलग अलग पहले लिख लीजिए, सबको ऐड करना है, तो एक्स प्लस वाई और फिर जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड कर दो। तो नंबर्स कितने हैं, 5 प्लस 20 कितना हो गया 25, 25 प्लस 15 हो गया 40, 40 प्लस 5 हो गया 45, x प्लस y प्लस 45, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम इन्होंने पहले से 60 दे रखा है, तो इन्होंने मेरे को सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ये पहले से गिवन है कि ये 60 है। ठीक है, तो देखिएगा इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, मैं इस क्वार्टर में कर रहा हूं एक्स प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। 45 को इस तरफ ले जाइए तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x plus y is equal to हो गया 15। This is my equation number one. Equation number one आ गई मेरे पास। ठीक है, ये करने के बाद में अब next देखेंगे। cumulative frequency, जब भी हम medium calculate करते हैं तो cumulative frequency जरूर निकालनी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाएगी 5, फिर 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25x, 25 प्लस एक्स, फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर वाई जो है इसमें वाई ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमारी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर है, इसका मतलब जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है मेरे को कि मीडियन की वैल्यू दे रखी है 28.5 गिवन, मीडियन is equal to 28.5 bracket में मैं लिखूंगा which lies in the class interval, which lies in the class interval 28.5 कहाँ lie करेगा, 20 से 30 के बीच वाले class interval में lie करेगा। 20 से 30 वाला जो क्लास हो गया ये हमारा हो गया बेटा मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास, ठीक है, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 30. देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30. ये हो गया. ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है मीडियन गिवन है मुझे 28.5 और मीडियन का फॉर्मूला लिखिए इस तरफ. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच. ये है 28.5. L का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई, 20. ये हो गया 20 प्लस n by 2. कैपिटल N क्या है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम. सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है हमारे पास, 60. तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम जब हमारे पास 60 आ गया तो n upon 2 n upon 2 is equal to कितना हो गया, 60 upon 2 यानी कि 30. तो यहाँ मैं लिखूंगा 30 minus CF. CF होता है बेटा cumulative frequency of preceding median class. median class से पहले वाली जो class होती है उसकी cumulative frequency. तो median class हो गई 20 से 30, तो इससे पहले वाली cumulative frequency हो गई 5 plus x. तो यहाँ CF की जगह लिख दीजिए बेटा आप 5 plus x bracket close और upon frequency of median class. median class की frequency कितनी है, 20. ठीक है, ये करने के बाद multiplication. h क्या होता है, class width. h होता है class width और class width कितनी है, कितने कितने का gap दे रखा है, आप खुद देखिए gap दे रखा है मुझे 10-10 का. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 is equal to 28.5. बेटा दिखाई दे रहा है सबको क्लास सर? यस सर. ठीक है, हाँ जी सर. ठीक है जी, तो ये हो गया 10 2 20, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2. अब मैं इस तरफ करूंगा, इसको आगे इस तरफ सॉल्व करूंगा. देखिएगा ये हो गया 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x. 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 28.5. अब इस 20 को इधर ले जाओ, 30 माइनस 5 क्या हो गया, 25 माइनस x अपॉन 2. 20 को इधर ले गए तो 28.5 माइनस 25 माइनस x. 28.5 माइनस 20 कितना हो गया, 8.5. और इस 2 को इधर ले गए तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2. 25 माइनस x, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 17. x को इधर ले गए, 25 माइनस 17 is equal to x. 25 minus 17 हो गया 8. तो x की वैल्यू तो आ गई 8. Put this value in first equation. First equation में इस वैल्यू को डाल दो. तो x plus y is equal to 15 है. x की जगह डाल दीजिए 8. 8 plus y is equal to 15. तो y is equal to 15 minus 8. मतलब y is equal to 7 हो गया. x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7. बड़ा ये क्लियर सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है जी सर. ठीक है जी, अब इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3. हां लाइफ इंश्योरेंस, हां 3 पूछ रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 3. यस सर. अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स. कैलकुलेट द मीडियन एज. If policies are given only to persons having age 18 years onwards, but less than 60 year, ठीक है, 18 years onwards,
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो टेबल मुझे दे रखी है ना, उस टेबल के हिसाब से हम काम करते हैं। तो एक टेबल भी बनाऊंगा, पहले ये वाला मिटा रहा हूं उधर वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एजिंग ईयर्स और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब इसमें देखिएगा, जैसे एज दे रखी है ईयर्स में, तो हमें किस तरह से दे रखा है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसे दे रखा है। Below 20, below 25, below 30, below 35, below 40, below 45, below 50, below 55 और below 60, ये डेटा दे रखा है। और फिर एज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखा है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 78, 89, 92, 98, 92, 98 और 100। ये मुझे पूरा डेटा दे रखा है। अब जरा देखिएगा इसमें मुझे क्या लेकर चलना है। यहां ना एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ूंगा, तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या दे रखा है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फॉर्म द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. मतलब जो insurance की policy है ना, insurance की policy सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनकी age 18 years से ज्यादा है और 60 years से कम है, 18 से ज्यादा और 60 से कम, ये इन्होंने बोला है। तो आप ये देखिए कि जैसे ये दे रखा है बिलो 20, तो बिलो 20 का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन से लोग आ गए, इसमें आ गए 18 से लेकर 20 इयर्स तक के जितने भी लोग हैं वो सब आ गए 18 से 20, क्योंकि 18 से ज्यादा वालों को दिया जाता है पॉलिसी और 60 से कम वालों को दिया जाता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि 15 to 20 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी 15 साल वाले जो इंसान है उसको 16 साल वाले को और 17 साल वाले को, 15, 16 और 17 साल वाले को तो वैसे ही पॉलिसी दी नहीं जाएगी, वो होगा तो 18 से 20 ही। मैं उसको 15 से 20 इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि 5-5 का गैप दे रखा है यहाँ पर। और आप एक मिनट में अभी समझ जाएंगे कि मैं ऐसा डेटा ले क्यों रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर इतना जो ये मैं उनको डेटा दे रखा है, इस डेटा के हिसाब से मैं आगे चलता हूँ, ये पूरा आगे का पोर्शन मिटा रहा हूँ।
देखिएगा हम क्या करेंगे इसमें, हमको इसको ना प्रॉपर फॉर्म में बनाना है ताकि मैं एक तरह से ये तो बता पाऊं कि मेरे पास मीडियन क्लास क्या होगी, क्लास इंटरवल्स वगैरह तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इस वाले क्वार्टर पे बना रहा हूँ, बीच में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे एज इन ईयर्स है, मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा एज, और एज का डेटा बेटा मैं ले रहा हूँ 15 से 20। अब आप इतना समझ जाएंगे 15 से 20 वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, 2। मैंने इधर फ्रीक्वेंसी ले लिया FI, तो ये 2। अब बिलो 25 का मतलब क्या है कि इसमें 25 से छोटे छोटे जितने भी लोग हैं जिनकी एज 25 इयर्स है, 25 से छोटे वाले सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए, सारे लोग आ गए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 20 से 25 के बीच वाले मिल जाए मुझे। तो कैसे मिलेंगे, आप ये देखो 20 से छोटे छोटे वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं जिनकी एज 20 से कम कम है, और 25 से छोटे छोटे वाले कितने लोग हैं जिनकी 25 से छोटे छोटे वाले 6 है। तो ये 6 में तो ये 2 भी आ गए ना, समझ लो कि नहीं। यस सर, है ना। तो ये 6 में ये 2 भी आ गए, अगर मैं 6 माइनस 2 कर दूं तो 20 और 25 के बीच वाले लोग आ जाएंगे मेरे पास। ये समझ गए? यस सर। यस सर। बताओ श्रीजा, क्लियर है इतना? यस सर। यश जी सर। हां बेटा बताओ। सर हमने बिलो 20 में 15 से क्यों लिया, एक जो हमारा क्लास इंटरवल है। बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा अपने आप तुम्हें। 2 मिनट रुको, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लिया 20 से 25 कैसे निकलेगा, 6 माइनस 2 कर दो तो ये आ गया 4। फिर अगला मैं देखना चाहता हूँ 25 से 30, तो बिलो 25 के कितने हो गए, 25 से छोटी छोटी उम्र के लोग कितने हो गए 6, और 30 से छोटे छोटे वाले कितने हो गए 24। अगर मैं बिलो 30 में से बिलो 25 वाले सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 25 से छोटे छोटे वाले तो हट गए, 25 और 30 के बीच वाले बचेंगे, तो 24 माइनस 6, बताओ समझ गए कि नहीं? Yes, sir. बताओ आस्था, क्लियर है? Yes, sir. 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 18 आ गया, समझ गए? ऐसे 30 से 35 के बीच वाले कैसे निकलेंगे, 45 माइनस 24 करेंगे, तो 30 से 35 वाले 24 माइनस 45 कितना, 21 हो गया। ठीक है, 35 से 40 के बीच वाले 78 माइनस 45, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, और 7 माइनस 4 कितना हो गया, ये भी 3। फिर 40 से 45 के बीच वाले 89 माइनस 78, 40 से 45 के बीच वाले 89 माइनस 78, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और 8 माइनस 7 कितना हो गया, ये 1 हो गया। 45 से 50 के बीच 92 माइनस 89, 92 माइनस 89 कितने लोग हो गए 3। फिर 50 से 55 के बीच में 98 माइनस 92, 98 माइनस 92 कितना हो गया 6। 55 से 60 के बीच वाले 100 माइनस 98, ये हो गया 2। अब ये समझ में आया 15 से 20 क्यों लिया? नहीं आ गया सर, क्योंकि सर 5 आ गया। काव्या काव्या बताओ, समझ में आ गया 15 से 20 क्यों लिया? नहीं सर, नहीं आया। मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला है कि पॉलिसी उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी एज 18 से ज्यादा है, तो आप चाहो तो इसको 18 से 20 भी लिख सकते हो। 18 से नीचे वाले लोगों को तो वैसे भी पॉलिसी नहीं दी जाएगी, तो मैंने 15 से 20 इसलिए लिखा ताकि एक सिमेट्री बनी रहे, यहाँ सब में 5-5 का गैप है, सब में 5-5 का गैप है। तो मैंने 18 से 20 लिखने की बजाय मैंने सोचा कि चलो 15 से 20 लिख देता हूँ, इसलिए लिखा है, और कोई रीजन नहीं है, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। आप 18 से 20 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम इसको मतलब 15 से नीचे का भी कुछ ले सकते थे, 15 से नीचे का भी ले सकते थे, क्योंकि 18 से नीचे वाले लोगों को तो वैसे भी पॉलिसी नहीं दी जा रही है, तो आप 0 से 20 लिख दो, आप 10 से 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि मुझे एक
कॉमन क्लास वर्ड चाहिए तो क्लास वर्ड होती है ना एच, तो वो पांच पांच की क्लास वर्ड सब में आ रही है, तो वो कॉमन क्लास वर्ड लेने के लिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 लिख दिया ताकि पांच पांच का एक यूनिफॉर्म गैप दिखाई दे सामने। समझ गए? ओके सर। कार्तिक समझ में आ रहा है इतना? कार्तिक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एज हो गई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसके बाद आप देखिएगा जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इस सबको ऐड कर दीजिए, n is equal to sigma fi 2 + 4 6 6 + 8 14 + 1 15 + 3 18 + 1 19 + 3 22 + 6 28 + 2 30। ठीक है, ये आ गया 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये तो मेरे पास 100 आ गया। अच्छा, और ये पूछ रहे हैं कि अब आप इसमें कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज निकालनी है। मीडियन एज निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पहले वाली तो सेम रहेगी 2, फिर 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 18 कितना हो गया 24, 24 + 21 कितना हो गया 45 + 3 हो गया 78, 78 + 11 हो गया 89, 89 + 3 हो गया 92, 92 + 6 हो गया 98, 98 + 2 हो गया 100। तो अगर आप चेक करोगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई बिल्कुल से, तो दे रखा था ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। लेकिन मुझे इन फ्रीक्वेंसी की जरूरत तो पड़ने वाली है। अब आप देखो कि कैपिटल एन है 100, तो हम ये कहेंगे कैपिटल एन बाई टू इज इक्वल टू 100 बाई टू, तो 250 जा ये वैल्यू हो गई 50, वैल्यू 50 हो गई। अब हम कहेंगे कि मीडियन निकालने का क्या तरीका है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, है ना? तो एन अपॉन टू हो गया 50, एन अपॉन टू की वैल्यू आ गई 50। तो आप ये देखिएगा कि 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 78, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली क्लास क्या है 35 40। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू is 78, therefore median class is 35 to 40। तो ये 35 to 40 हो गई median class, तो median कितना हो जाएगा l plus n by 2 minus cf upon small f into h। तो n हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 35, मेंशन कर दो इधर 35 प्लस n by 2 कितना है, n by 2 है 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45, 50 माइनस 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 33, और क्लास वर्ड एच कितना है 5, तो 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना हो गया 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 35 प्लस 25 अपॉन 33, 25 अपॉन 33 कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं और आप लोग देख लीजिए पीछे आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताइए देखकर कितना है। ये 0.75 है,
55 प्लस 0.75 कितना हो गया 35.75। बताइए बेटा इतना ही है, यही है 35। ठीक है अच्छा और बताइए, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर नहीं है। तो चलिए अब आपका इसमें लास्ट टॉपिक बचा है मोड, क्योंकि शायद ये वाला जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाए, ये तो सिलेबस से हटा दिया है, बाकी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। देखिए हमने ना मीडियम पहले कर लिया था, जबकि बुक में पहले मोड वाला टॉपिक दे रखा था, तो अब मोड वाला टॉपिक देखते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 272 पर, पेज नंबर 272, और बस 2 मिनट के लिए वेट करो, मैं पानी पी रहा हूं। नंबर ऑफ विकेट्स जो है हमने ये डेटा देख लिया, जो तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में उसने 6 विकेट लिए, तीसरे मैच में उसने 4 विकेट लिए, चौथे मैच में 5 विकेट, पांचवे मैच में 1 विकेट भी नहीं लिया, तो ये डेटा दे रखा है। तो नंबर ऑफ विकेट्स किस तरह से ले रखे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स उसने 6 लिए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं कि 1 विकेट भी नहीं लिया, मतलब 0। तो नंबर ऑफ विकेट्स 0 1 2 3 4 5 6 बस इतना। फिर यहां लिखिएगा नंबर ऑफ मैचेस, तो जब एक भी विकेट नहीं लिया ऐसे कितने मैच हैं, एक ही मैच है बस ऐसा, पांचवा मैच, तो एक मैच ऐसा है जिसमें उसने एक भी विकेट नहीं लिया, ठीक है। फिर एक मैच, फिर हम देखेंगे उसने एक विकेट कितने मैचेस में लिए हैं, सिर्फ एक मैच ऐसा है जिसमें उसने एक विकेट लिया। अच्छा दो विकेट उसने कितनी बार ऐसा हुआ है कि दो दो विकेट लिए हो, यहां भी 2 विकेट, यहां भी 2 विकेट, यहां भी 2 विकेट, मतलब 3 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 2 2 विकेट लिए हैं। फिर 3 विकेट उसने कितने मैचेस में लिए हैं, एक तो इस 10th मैच में उसने 3 विकेट लिए, 8th मैच में 3 विकेट लिए, बस। तो ऐसे 2 मैचेस हैं जब उसने 3 विकेट लिए हैं, ऐसे कितने मैचेस हैं जब उसने 4 विकेट ले लिए हो, केवल एक मैच है जब उसने 4 विकेट लिए हो। ठीक है जीरो विकेट कितने मैच में लिया, एक मैच में, एक विकेट कितने मैच में लिया, एक मैच में, है ना। और 2 विकेट कितने मैचेस में लिए उसने, 2 विकेट वाले 1, 2 और 3, 3 मैच में। 3 विकेट कितने मैचेस में लिए उसने, 2 मैचेस में। और 4 विकेट कितने मैच में लिए, 1 मैच में, हाँ ये गलत हुआ। फिर 5 विकेट देखो, 5 विकेट उसने कितने मैच में लिए, 1 मैच में, केवल 1 मैच में 1। और ऐसे 6 विकेट भी उसने 1 मैच में लिए, सबका टोटल कर लो 1, 1, 2, 3, 5, 2, 7 और 3, 10, अब बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं कि इस डेटा का मोड बताना है, तो मोड इसका जो नंबर ऑफ मैचेस है सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे लिए, तो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू होगी 3। तो हम कहेंगे मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, और 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म कौन सी है, 2, तो नंबर ऑफ विकेट्स 2, तो मोड है इसका 2 विकेट्स। बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। मोड कैसे निकाला जाता है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको मोड बोल देते हैं, बताइए क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है अब देखिएगा कि जब मेरे को कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है, यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो उसमें मोड किस तरह से निकालते हैं, मोड और
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, एफ जीरो को एफ नॉट बोल देते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। बताइए ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अभी तो लिख लो बस इसको, समझ में तो अभी क्या आया होगा आपको, अभी बताता हूँ कैसे निकालना। देखो जी मैं ये मिटा रहा हूं उधर से, और ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल नंबर 5, उसी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 5, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode of this data. देखो example number 5 में एक तो हमें इधर दे रखा है family size, family size दे रखा है, और फिर number of families। तो family size में क्या दे रखा है 1 से 3, मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें एक लोग एक से लेकर तीन लोग रहते हैं ऐसी फैमिली। फिर 3 to 5 जिसमें 3 से 5 लोग रहते हैं इतनी बड़ी फैमिली। फिर 5 to 7 5 से 7 लोगों की फैमिली। फिर 7 to 9 7 से 9 लोगों की फैमिली। फिर 9 to 11 9 से 11 लोगों की फैमिली, है ना। ये तो फैमिली साइज हो गया। फैमिली साइज के बाद में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 7, 8, 2, 1 7, 8, 2, 2, और 1 ये नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं जरा, फिर देखेंगे कि इसका जब मेरे को मोड निकालना होगा तो हम ये कहेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो है 8, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 8। मैं यहां लिखूंगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 8, so 3 to 5 is modal class, modal class, MODAL, modal class 3 to 5। अब इसमें पता है क्या करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, तो जैसे मैंने मीडियन में करा था, मीडियन में क्या था L, तो क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहां पर L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मैं सीधा सीधा मोड निकाल रहा हूँ यहाँ पर, और फॉर्मूला आप देखते जाओ और समझते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 3 आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, एक F0, एक F1 और एक F2, ये दिखाई दे रही है F0, F1 और F2। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मुझे 3 तरीके की फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। मैं इधर लिखकर समझाता हूँ एक चीज आपको, देखो ये तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये तो होगी 3 प्लस,
अब F1, F0 और F2 की बात करते हैं, तो अगर मैं सीक्वेंशियली लिखूं तो सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1 और फिर आता है 2। तो ये जो बीच वाला है ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। और F1 से पहले वाला F0 यानी कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हो गई F0, और जो बाद वाली हो गई वो हो गई F2। तो आप ये समझ लो भाई तीन फ्रीक्वेंसी लाइन से लेनी है मेरे को, F0, F1, F2। तो जो ओरिजिनल वाली है मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बोल दिया F0, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को बोल दिया F2। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? F0, F1, F0, F1 और F2 में जो ये ओरिजिनल वाली है ये तो F1 हो गई। अब F1 से पहले वाली F0 यानी कि 8 से पहले वाली 7 और 8 के बाद वाली 2 ये हो गई F2। बेटा ये हो गया मेरे लिए F0, F0 यानी कि ये F1 और ये हो गया F2। अब बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। क्लास विड्थ कितनी है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 क्लास विड्थ है 2। ठीक है, तो निकालिए F1 क्या है? 8। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर हमने जो 8 है उसको F1 इसलिए लिया है क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ना, क्योंकि ये बीच में लाई कर रही है। F1 का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो गई। अब F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले क्या आता है? 0। तो F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F0 कहेंगे उसको, और F1 से बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही F1 है, इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 है और उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। सर मतलब हर डेटा के लिए हम यही ऑर्डर लेंगे कि सबसे पहले वाला F0 फिर F1 फिर F2? ना, हर एक में हमको ये देखना है कि कोई भी डेटा दे रखा हो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी। हो सकता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां अप्लाई करें तो उससे पहले वाली F0 हो गई, उसके बाद वाली F2 हो गई। ओके सर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज F1, वो मैं निकाल चुका हूं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 8, दैट इज F1। बताओ भव्या क्लियर है? यस सर। ओके नव्या, तुम्हें भी क्लियर है? यस सर। ओके रंजन? यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा देखो वैल्यू डाल रहा हूं मैं इसमें। F1 माइनस F0 हो गया 8 माइनस 7 अपॉन 2 F1। तो 2 F1 मतलब 2 इंटू 8 माइनस F0। F0 कितना है? F0 कितना है? 7। और माइनस F2 कितना है? 2। ये हो गया, ठीक है। प्रोजी ऑफ कैलकुलेट कितना आ रहा है? 3 प्लस और H, हाँ H भी तो रह गया, मल्टीप्लाइड बाई एच भी तो होता है। एच कितना है? 2। तो 8 माइनस 7 हो गया 1 अपॉन 2 8 जो 16 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 7 16 माइनस 9 7 ना, तो 7 3 जा 21 प्लस 2 अपॉन 7 तो ये हो गया 23 अपॉन 7। डिवाइड कर लो 7 3 जा 21, 23 माइनस 21 कितना हो गया? 2 20 20, तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, 3.28 आ गया जी मोर। समझ गए? यस सर। यस सर। 3.286 ये दे रखा है। तो इसी के साथ जी स्टैटिस्टिक्स खत्म है। और कोई डाउट आए आपको मीन में, मीडियन में, मोड में, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो पूछिएगा। और अगर आपका मन करे और करना हो तो मुझे बता देना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी करा देंगे जिसको ओजाई बोलते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में से वो काट दिया गया है इस साल के लिए। अगर फिर भी करना हो तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक मैं आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करा तो दिया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या, ये पूरा चैप्टर करा दिया था दूसरे बैच में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फिर भी करना हो तो बता देना, ठीक है। चलिए जी फिर। ओके सर। ओके नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।
थैंक यू सर. ओके एक्सक्यूज मी सर. हां बेटा बोलो सर. मेरे पास ना बहुत सारे दिनों मतलब बहुत दिनों से ना बहुत सारे चैप्टर के डाउट कम